वेलकम टू कमोडिटी सक्सेस डॉट कॉम। आज की मेरी ये वीडियो एक स्ट्रेटजी के ऊपर है। काफी लोगों की शिकायत थी कि आप ज्ञान तो बांट रहे हैं लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बता रहे हैं कोई। तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसके अंदर आप खूब पैसा बनाए। जिस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक होता है ना, उसी तरह से ये मल्टी बैगर स्ट्रेटजी है, और इसके रिजल्ट को देख करके आप भी खुद चौंक जाएंगे कि आप इतने आसानी से और इतना मोटा पैसा बना सकते हैं इस मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी होगी निफ्टी फ्यूचर्स के लिए, और इस स्ट्रेटजी में मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होगा वो होगा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि आपको नॉर्मल ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है जिससे कि आप निफ्टी फ्यूचर को होल्ड कर सकें। ये इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग नहीं होगी। यहाँ पर आपका होल्डिंग पीरियड होगा 1 दिन से ज्यादा का। नेक्स्ट चीज एलिजिबिलिटी, इसके लिए कम से कम 60,000 रुपीज आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि अगर 60,000 से कम है तो आप निफ्टी का लोट बाय नहीं कर पाएंगे। कम से कम 60,000 आप लेकर के चलिए, जैसे कि कम से कम आप एक लोट तो बाय कर सकें या सेल कर सके निफ्टी का। दूसरी चीज, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कैंडलस्टिक चार्ट की और मूविंग एवरेज की। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, सिंपल दो चीजें, कैंडलस्टिक चार्ट और मूविंग एवरेज, नथिंग एल्स। तीसरी चीज हम देखते हैं लॉस पर ट्रेड पर लोट कितना होगा, यानी अगर आप एक लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा इस स्ट्रेटजी में। इसमें आपको लॉस होगा 2,250 रुपए का, यानी 2,250 ओनली, और ये भी आपका मैक्सिमम लॉस है। और ये लॉस होगा आपका पर लॉट, यानी अगर आप केवल एक लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपका मैक्सिमम लॉस है, इससे ज्यादा आपको लॉस होगा ही नहीं। तीसरी चीज हम देखते हैं इसके अंदर मैंने किन टेक्निकल्स का यूज किया है। इसके अंदर मैंने यूज किया है 1 डे कैंडलस्टिक, 1 डे CS मतलब कैंडलस्टिक, दूसरा 1 आवर कैंडलस्टिक, और SMA 60 यानी सिंपल मूविंग एवरेज 60। तो ये था हमारी स्ट्रेटजी का ओवरव्यू। अब तीसरी चीज आती है, आप सोच रहे होंगे इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट इसके अंदर अनलिमिटेड है, यहाँ पर कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। यहाँ पर आपको रिवॉर्ड आपके रिस्क से 10 गुना भी मिल सकता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट आपके फेवर में कितना मूव करती है। तो हमारी यहाँ पर कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से ले सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं चार्ट पर चलता हूँ। मैंने निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट पहले से ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट है मेरा डेली चार्ट। आप देख रहे हैं डेली पर, डेली को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, 1 डे को। तो ये 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है, और ये जो मूविंग एवरेज है ये है मेरा मूविंग एवरेज 60। आप देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज 60 का मैं यूज कर रहा हूँ। तो डेली कैंडलस्टिक चार्ट से हम क्या डिसाइड करेंगे, डेली कैंडलस्टिक से हम डिसाइड करेंगे कि हमें जो ट्रेड करनी है वो बाय साइड में करनी है या सेल साइड में करनी है। अगर आपका निफ्टी का प्राइस इस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपको केवल और केवल बाय करना है, और अगर इससे नीचे है जैसे कि इस पीरियड में रहा है तो यहाँ पर आपको सेल करके चलना है। इससे पहले हम देख लेते हैं, इस पीरियड में भी आपको बाय करके चलना था, और ये पीरियड था आपका सेलिंग वाला, यहाँ पर आपको सेल करके चलना था। तो अभी हाल में हमें क्या करना है, हमें केवल बाय करके चलना है क्योंकि हमारा निफ्टी का जो प्राइस है वो इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। तो चलिए अब हम ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे। ट्रेडिंग के लिए हमें 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना होगा। मैंने देखिए क्लिक कर दिया है और ये 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो गया है। मूविंग एवरेज को हमें चेंज नहीं करना है, मूविंग एवरेज आपका सेम रहेगा, और वो रहेगा सिंपल मूविंग एवरेज 60। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसको समझ सकता है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी। देखिए आपको निफ्टी को बाय करना है जब भी 3 ग्रीन कैंडल्स, कंटिन्यूअस 3 ग्रीन कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर अपना क्लोज दें। जब भी 3 ग्रीन 1 आवर कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दें आपको निफ्टी को बाय करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं लेटेस्ट ऐसा कब हुआ कि जब लगातार 3 कैंडल्स ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर अपना क्लोजिंग प्राइस दिया। तो सबसे पहला हुआ यहाँ पर, ये यह हुआ हमारा 25 मई 2017 को। यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर की लगातार 3 आवरली कैंडल्स ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था, तो हमें बाय करना था यहाँ से। इनिशियल स्टॉप लॉस होगा हमारा मैक्सिमम 30 पॉइंट, या फिर ये मूविंग एवरेज जो भी हमारा नियरेस्ट है, जो भी हमारा पास का है। अब हम देखते हैं कि 30 पॉइंट पास है या फिर ये मूविंग एवरेज पास है। यहाँ से आपने लिया और आपका ये मूविंग एवरेज यहाँ पर है, तो मूविंग एवरेज आपका दूर है 30 से, तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा केवल 30। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट से 30 पॉइंट नीचे होगा। यहां पर मैं क्या करूं, लाइन ड्रॉ कर लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। ये था मेरा एंट्री प्राइस अप्रोक्सीमेटली, और इससे 30 पॉइंट नीचे, यानी कि ये हमारा प्राइस है 9464, 9465 मान लें इसको, इससे 30 पॉइंट नीचे कितना होगा, 9435। तो 9435 पर हम अपनी
एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, ये अप्रोक्सीमेटली आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ट्रेड के अंदर आपने एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया। ओके जी, अब बात ये आती है कि आपने एंट्री तो ले ली, अब आप एग्जिट कहाँ करेंगे? एग्जिट के लिए आपको ट्रेल करते जाना है और जहां पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वहीं आपका एग्जिट हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वहां पर आप एग्जिट हो जाएंगे। अब हमारा पॉइंट आता है कि हम ट्रेल किस तरह से करें। आप ट्रेल करेंगे एंट्री के बाद में जो भी हाईएस्ट हाई दिया है किसी भी आवर्ली कैंडल ने। पहला हाईएस्ट हाई दिया था इसी कैंडल ने, आप देख रहे हैं, तो इसके हाई से जो इसका हाई पॉइंट है उससे 50 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और उस स्टॉप लॉस को आप बोलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप ट्रेल करते जाएंगे हाईएस्ट हाई से 50 पॉइंट नीचे की तरफ। लेकिन अगर उस 50 पॉइंट से पहले आपका ये मूविंग एवरेज आ जाता है तो आपका जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये मूविंग एवरेज। तो हम देखते हैं, ये आपका हाईएस्ट हाई था, यहां से 50 पॉइंट कहाँ आ रहा है? 50 पॉइंट पास में है या फिर आपका मूविंग एवरेज पास में है? देखिए आप, जो मूविंग एवरेज है वो है आपका इस हाईएस्ट हाई से 83 पॉइंट्स नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस होगा केवल 50 पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर आपका इस जगह आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, आपके फेवर में प्राइस जा रहा है, फेवर में प्राइस जा रहा है। अब आप देखिए यहां से प्राइस ने गिरना शुरू किया था। अब हम देखते हैं क्या हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। यहां से आप 50 पॉइंट लीजिए, नहीं हुआ ट्रिगर, आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में जा रहा है और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे हर हाईएस्ट हाई आवरली कैंडल के हाई से नीचे 50 पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा, हम यहाँ पर दिया हाईएस्ट हाई और यहाँ से प्राइस गिरा भी, हम देखते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है नहीं हुआ। यस, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कहाँ हुआ हम देख लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा इस हाईएस्ट हाई से, इस पॉइंट से 50 पॉइंट नीचे। यहाँ पर प्राइस क्या है निफ्टी का? तो ये प्राइस है 9567 अप्रोक्सीमेटली। और हमारा एंट्री कहाँ हुआ था? हमने एंट्री ली थी अप्रोक्सीमेटली 9465 पर, तो इस प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं 9465, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है 102 पॉइंट्स का। ठीक है जी, इन लाइंस को मैं डिलीट कर दूं जिससे कि हम और बैक टेस्ट करते जाएं। तो इसको मैं लॉक कर लेता हूं। सबसे पहले हम लॉगिंग करते चलेंगे यानी अपना रिकॉर्ड रखते चलेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें या कितना लॉस। 102 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ जी, प्लस में लिख दिया है मैंने। अब हम और पहले का चार्ट देखते हैं। ये पहली ग्रीन कैंडल है जिसने क्लोज दिया इस लाइन के ऊपर, लेकिन फिर रेड बन गई तो ये कैंसिल हो गया सिग्नल। उसके बाद आप देखें, तीन ऐसी कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है जिसने इस लाइन के ऊपर आपको क्लोज दिया हो, तो यहाँ पर हमारा कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है जी। ओके, अब हमें सिग्नल मिलता है पहला, इसके बाद में यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स ने इसके ऊपर हाई दिया है आपको। ओके जी, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला है, ये तो आपकी डोजी बन गई क्योंकि यहाँ पर आपका ओपन और क्लोज आप देखिए सेम है ना। तो हम इस कैंडल को कैंडल मानेंगे ही नहीं, हम ना इसको ग्रीन मानेंगे ना ही हम इसको रेड मानेंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, वन फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है फुलफिल होता है और यहाँ पर आपको एंट्री मिलती है। तो हमें एंट्री किस प्राइस पर मिली? हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एंट्री मिली। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा यहाँ से हम मेजर करते हैं। मैंने बोला था 30 पॉइंट्स या फिर आपकी मूविंग एवरेज की वैल्यू। आप देखे हैं ये आपकी जो मूविंग एवरेज लाइन है वो 30 से पहले आ जा रही है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 25 पॉइंट्स का। आप देख रहे हैं 25 पर, ये आपकी 25 मान लें, 27 मान लें, है ना, यहाँ पर आपकी मूविंग एवरेज लाइन है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट्स। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, ये प्राइस जो हमारे फेवर में जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ के बाद में, पहले तो यहाँ पर एक आवरली कैंडल ने हाईएस्ट हाई बनाया था है ना, सबसे देखिए हाई यही है इसके बाद में एंट्री के बाद में आपका, तो आपका स्टॉप लॉस फिर ट्रेल होता जाएगा। स्टॉप लॉस आपका ट्रेल क्या होगा? इस हाईएस्ट हाई से या तो 50 पॉइंट नीचे या फिर ये आपकी मूविंग एवरेज लाइन। तो आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल होगा वो होगा केवल 39 पॉइंट्स, क्योंकि आपकी जो मूविंग एवरेज लाइन है वो 50 से पहले आ जा रही है। हम चलते जा रहे हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक हाई बना और यहाँ से गिरना शुरू किया, हम देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। तो यहाँ से हम लेते हैं हाईएस्ट हाई से
और नीचे की साइड में चलते हैं 50, ठीक है। आपका 50 पॉइंट जो स्टॉप लॉस है डाउन साइड में वो ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ पर भी आप ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस आपके फेवर में जा रहा है और फिर यहाँ से आप देखते हैं यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद प्राइस डाउनवर्ड साइड में गिरा है। हम देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ से 50 देखते हैं, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो पाया था, ठीक है जी। लेकिन आप देखिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 50 पॉइंट डाउन में ये फिक्स रहेगा क्योंकि इसके बाद में हाईएस्ट हाई कैंडल आपकी नहीं बनी है आवरली। 50 पॉइंट हम नीचे ले लें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, ठीक है। तो आगे आपका इस जगह यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा, ओके। तो जहां पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ आप देखिए वहां पर प्राइस क्या है, आप राइट हैंड साइड में देखें, है ना, इस जगह आप देखिएगा ये था हमारा 50 पॉइंट डाउन में अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर प्राइस क्या है, 9492 प्रॉफिट हुआ है, क्लियर बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप। 9438 पर आपने एंट्री ली थी और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 9492, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ है 54 पॉइंट्स का, ठीक है। इसको भी हम लॉक कर लेते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखिए पहली ग्रीन कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल वो रेड बन गई, ये कैंसिल हो गया आपका सिग्नल और यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं बनी आपकी, यहाँ पर भी कंडीशन नहीं बनी क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपका डोजी हो गया है और इसके बाद 1 2 3 लेकिन ये रेड बन गई, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपका सिग्नल है वो नहीं बनता है। उसके बाद आप देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री मिली, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंट्री आपको मिली। तो आपका जो एंट्री प्राइस होगा वो यहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी मार्क कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस अपना कितना रखना है, 30 पॉइंट्स। तो ये यहाँ से हम 30 पॉइंट मेजर करते हैं और क्योंकि एंट्री हमें यहाँ से मिली है तो हम यहाँ तक देखते हैं, तो हमारा 30 पॉइंट ही मैक्सिमम यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा क्योंकि जो मूविंग एवरेज लाइन है वो 30 से भी काफी डाउन है, तो मैक्सिमम 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। और हम इसको आप ट्रेल करेंगे, तो आप देखिए ट्रेल करते जा रहे हैं, कहीं भी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट आपका यहाँ पर हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि 50 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है, तो हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हुआ ट्रिगर या नहीं हुआ। यस, बिल्कुल हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 50 पॉइंट का, हमने यहाँ पर एग्जिट लिया इस पॉइंट का, ठीक, ओके। तो अब आप राइट हैंड साइड पर देखिए हमारा एग्जिट प्राइस कितना है, 9414, 9414 माइनस एंट्री प्राइस कितना था आपका, 9402, ओके। प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पर भी छोटा सा प्रॉफिट 12 पॉइंट्स का, प्लस 12 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हुआ, ओके। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब हम और लेफ्ट में चलते हैं, देखते हैं कहाँ ऐसी कंडीशन बनी थी, ओके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंडीशन बनी थी इस जगह पर और यहाँ पर आपका आपको एंट्री लेनी थी इस जगह, हम एंट्री पॉइंट अपना हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देते हैं, इस जगह आपको एंट्री लेनी थी, ठीक है। अब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 30 पॉइंट होगा या फिर आपकी ये वाली लाइन जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है, तो हम देखते हैं 30 पॉइंट पास में है हमारा या मूविंग एवरेज लाइन पास में। यहाँ से आपने लिया मूविंग एवरेज लाइन आपके पास में है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी इमिजिएटली ट्रिगर हो गया था और आपको यहाँ पर लॉस हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स, है ना, इस ट्रेड में आपको। तो चलिए इसको भी लॉक कर लेते हैं, माइनस 10 पॉइंट्स, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं अपना कहाँ वो हमें मिला था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। इससे पहले नेक्स्ट सिग्नल मिला था हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर, देखिए 1 2 3 तीन ग्रीन कैंडल्स और हमारा हमारी एंट्री होगी यहाँ से, मैं लाइन मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई और एंट्री के बाद में आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 30 पॉइंट मैक्सिमम या फिर आपकी मूविंग एवरेज वाली लाइन। तो मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है वो काफी दूर है आपकी 30 पॉइंट से, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा मैक्सिमम 30 पॉइंट आपके एंट्री पॉइंट से, ओके। फिर देखते हैं इसके बाद ये एक हाईएस्ट हाई बना हमारा, यहाँ से 50 पॉइंट नीचे मेजर करते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा लेकिन आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो आपकी एंट्री से 30 पॉइंट ही नीचे होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 30 पॉइंट्स का होगा, इसको हम लॉक कर लेते हैं, यहाँ पर आपको लॉस हुआ 30 पॉइंट्स का,
नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ सिग्नल मिला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट सिग्नल हमें मिला था यहाँ पर, 1 2 3, तीन ग्रीन कैंडल बनी है आपकी कंटिन्यूसली, और आपने एंट्री ले ली इस जगह पर। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने मैक्सिमम 30 या फिर आपकी मूविंग एवरेज लाइन, तो मूविंग एवरेज लाइन आपके पास में है तो अप्रोक्सीमेटली आपका 11 पॉइंट्स का है ना, कम से 11 पॉइंट से भी कम का, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो 11 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है। हम इसको भी लॉक करते हैं, -11 पॉइंट्स। ओके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब हम नेक्स्ट सिग्नल को देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर भी ये जो है डोजी बना था आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, इस कैंडल को हम कुछ नहीं मानेंगे, ना तो ग्रीन मानेंगे ना रेड, और यहाँ पर आप देखिए ये भी डोजी है, तो इसको भी हम कुछ नहीं मानेंगे, यहाँ पर भी हमें सिग्नल नहीं मिला। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखिए हमें सिग्नल मिला था यहाँ पर, लाइन के ऊपर आया प्राइस, और 1 2 3, तीन ग्रीन कैंडल बनी, हमारा जो एंट्री होगा वो यहाँ पर होगा, एंट्री लाइन में मार्क कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं जल्दी लूंगा है ना, फटाफट, क्योंकि आप इस बेसिक को समझ गए होंगे, और 30 पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन वो ट्रिगर नहीं होगा, आप देख रहे हैं आपके फेवर में जा रहा है इमीडिएटली प्राइस, तो आप देखिए प्राइस ने यहाँ से गिरना शुरू किया था, देखिए इस पॉइंट से, यहाँ से मैं मेजर कर लेता हूँ, क्या 50 पॉइंट प्राइस गिरा है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है या नहीं हुआ है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो देखिए एग्जिट प्राइस कितना है, एग्जिट प्राइस है हमारा 9329। ओके यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है 139 पॉइंट्स का, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, +139। ओके जी हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके इस लाइन को मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। ओके यहाँ पर देखिए यहाँ आपको एंट्री मिली थी 1 2 3, ओके, और यहाँ पर आपको एंट्री मिली, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूँ मैं, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई। ओके स्टॉप लॉस हमारा होगा मैक्सिमम 30 पॉइंट्स, या फिर जो मूविंग एवरेज लाइन का जो हमारा प्राइस है, अपन देखते हैं क्या पहले आता है हमारा, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, और अप्रोक्सीमेटली 23 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर लॉस होगा, हम इसको भी लॉक कर लेते हैं, -23 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली थी, और देखिए यहाँ पर आपको एंट्री मिली 1 2 3, तीन कैंडल ऊपर हुए, और आपका एंट्री प्राइस यहाँ पर होगा, तो मैं यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ इस जगह, ठीक है जी। ओके अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस हमारा कितना होगा, मैक्सिमम 30 पॉइंट्स है आप जानते हैं, यहाँ से हम मेजर करते हैं डाउन साइड में, और मूविंग एवरेज लाइन आपकी सबसे पहले आ जाती है, और हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और हमें लॉस होगा 24 पॉइंट्स का, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, -24 का। तो आप इससे देख रहे हैं कि हमने जो अपना पर ट्रेड लॉस फिक्स किया था 2250 का, हमें उससे कम ही कम लॉस हो रहा है ना, उससे ज्यादा कहीं भी हमें लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है जी। अब हम इससे पहले और आ जाते हैं, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है डिलीट हो गई है, चार्ट लोड हो रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर आपको एंट्री मिली है, पहली कैंडल नीचे से ऊपर ग्रीन क्लोज हुई ऊपर, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, ये होगा आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका मूविंग एवरेज लाइन पहले आ जा रही है, 24 का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपको वो ट्रिगर नहीं होगा, प्राइस आपके फेवर में मूव किया। अब हम देखते हैं कि ये हाईएस्ट हाई बना, पहले तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ से कि हमारा यहीं जो ट्रिगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हुआ है नहीं हुआ, आप यहाँ से चेक करें, यहाँ से आप देखें नीचे, यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ था, फिर यहाँ पर हाईएस्ट हाई बना, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ ट्रिगर हुआ है, इस पॉइंट से, यस हमारा ट्रिगर हो गया है, बिल्कुल ट्रिगर हुआ है हमारा प्राइस, वो प्राइस था हमारा 9260 अप्रोक्सीमेटली, तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ हमें, तो जी यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है 51 पॉइंट्स का, इसको हम लॉक कर लेते हैं, +51 पॉइंट्स, ठीक है, इसको
इस लाइन को डिलीट कर दूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ओके, अब आप देखिए, इसके बाद यहाँ पर सिग्नल नहीं मिला हमें, ये डोजी बन गई। यहाँ पर भी हम इसको भी हम सिग्नल, यस इसको हम सिग्नल, इसको हम ग्रीन कैंडल मानेंगे, क्योंकि आप देखें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पर आप देखें, है ना, आप देखें कि प्लस साइड में है जो क्लोजिंग प्राइस है, ओपनिंग से है नहीं है, यस प्लस साइड में है। तो 1 2 3 है ना, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। जल्दी जल्दी लेता हूँ, वैसे बैक टेस्टिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा नीचे होगा मैक्सिमम 30 पॉइंट्स, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी एग्जिट कहाँ पर हुआ। पहले तो यहाँ से देखते हैं क्या 50 पॉइंट डाउन गया, नहीं गया जी, एग्जिट नहीं हुई। और फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं हुए। और उसके बाद हम देखते हैं इस पॉइंट से देखते हैं क्या हम एग्जिट हो गए, या यहाँ पर हम एग्जिट हो गए और हम एग्जिट हुए यहाँ पर इस पॉइंट पर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 9178 पर। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं कितना बैठता है, 9178 माइनस 9132, 9132 ये हुआ हमारा 46 पॉइंट्स का प्रॉफिट। चलिए इसको भी लॉक कर लेते हैं, 46 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था 1 2 3, ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये ट्रिगर हो गया। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि जो मूविंग एवरेज लाइन है वो पास में है, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट ले लीजिए आप माइनस में, वैसे तो कम है लेकिन माइनस 16 पॉइंट्स, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ओरिजेंटल लाइन को। ओके, देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला था इस जगह, और आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट से, यहाँ पर आप एंट्री लेते, यहाँ से डाउन में होता आपका ये 19 पॉइंट्स मैक्सिमम, है ना, 20 मान लीजिए, चलिए -20 कर लीजिए आप उसको, -20 का लॉस हो गया आपको। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हमने ले लिया है। ओके, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला था और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो मैं अब इसको यहाँ पर आपकी एंट्री थी मैक्सिमम 30 पॉइंट्स, और या फिर आपका जो मूविंग एवरेज का प्राइस है, तो 23 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको लॉस हुआ, ठीक है, जिसको भी माइनस हम लॉक कर लेते हैं 23 पॉइंट्स। ओके, अब हम थोड़ा सा इधर से करें शुरू, है ना, क्योंकि वो तो काफ़ी हो गया है। एक दो टेस्टिंग और बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया था और यहाँ पर भी आपका नहीं, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर जो प्राइस है वो इसके ऊपर आया लेकिन आपको सिग्नल नहीं मिला, और 1 2 3 यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई इस जगह, ठीक है जी। तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 30 पॉइंट्स, यहाँ से आपका माइनस में 30 पॉइंट्स होगा, लेकिन है ना 30 पॉइंट ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि जो आपकी लाइन है नीचे वो काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है, ठीक है। प्राइस हमारे फेवर में मूव किया, है ना, यहाँ से आपका 50 पॉइंट होगा, फिर इसके बाद में फिर ये एक हाई दिया। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस किस प्राइस पर ट्रिगर हुआ, यहाँ से आप लीजिए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया इस जगह पर, ठीक है। तो आपका जो एग्जिट प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली आपके एंट्री प्राइस के पास में ही है, करीब 10 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एंट्री से। तो मैं इसको 10 को भी लॉक कर देता हूँ, +10 पॉइंट्स। ओके, तो कितनी ट्रेड हो गई है अभी, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ट्रेड हुई है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ट्रेड्स हो गई है ना। चलिए आपको एक और मैं बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए ये डोजी है या क्या है, ये डोजी नहीं था, यहाँ पर हमें लॉस होगा 1 2 3, 3 कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स, और आपका एंट्री होगा इस पॉइंट पर, यहाँ से नीचे की साइड में आप जाएंगे तो 21 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर लॉस हुआ। जो पीछे की बैक टेस्टिंग है उसको आप खुद कर लीजिएगा, है ना, पीछे भी ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ,
मुझे मालूम है क्या हुआ है लास्ट टाइम भी, ठीक है जी। तो आप देखें हमने कितने टाइम इसके अंदर ट्रेड किया है। हमने इसके अंदर ट्रेड किया है मार्च से लेकर के और मई तक, मार्च अप्रैल मई, 3 मंथ्स की मैंने आपको बैक टेस्टिंग यहाँ पर दिखा दी है। और इसके अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। कितना लॉस था मेरा यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और ये 21 पॉइंट्स। ओके, आपको यहाँ पर लॉस हो गया था 21 पॉइंट्स का। तो अब हम इसको देख लेते हैं ओवरऑल हमें प्रॉफिट कितना, कितने पॉइंट्स का हुआ और लॉस कितने पॉइंट्स का हुआ। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है हमें प्लस, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 102 प्लस 52 प्लस 12 है ना, माइनस हम बाद में ले लेंगे, और प्लस हमें 139, उसके बाद में फिर 51 प्लस 46 प्लस, ये सभी लॉस थे हमारे, प्लस 10। ओके, 412 है ना, 412 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ। तो इसके बाद हम लॉस देख लेते हैं। लॉस हमें कितना हुआ है, मैं ऐड कर लेता हूँ लॉस के पॉइंट्स। लॉस हुआ हमें 10 पॉइंट्स प्लस 30 पॉइंट्स प्लस 11 पॉइंट्स प्लस 23 पॉइंट्स प्लस 24 पॉइंट्स प्लस और 16 पॉइंट्स प्लस 20 पॉइंट्स प्लस 23 पॉइंट्स प्लस और 21 पॉइंट्स। ठीक है, आपको लॉस हुआ है 178 पॉइंट का, 178। तो अब देखते हैं हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू 412 माइनस माइनस 178 है ना, 234 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ, 234 का। अब आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन होगा कि अगर हमारी ट्रेड रनिंग है और हमें अगर नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर में अपनी ट्रेड को कैरी ओवर करना हो है ना, रोल ओवर करना हो, तो जो हमें नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है वो थोड़े से हायर प्राइस में मिलेगा है ना। तो चलिए उस फैक्टर को हम कंसिडर करने के लिए इस 234 में से 34 हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए केवल 200 पॉइंट्स। तो इस 200 पॉइंट्स का हम रिटर्न निकालते हैं, हम ये सारी जो चीजें हैं इन सबको डिलीट कर देंगे और 200 पॉइंट्स ही हम अपने माइंड में रखेंगे। पॉइंट्स हमें मिले 200, और अगर किसी के पास में 60,000 रुपीज का कैपिटल है तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 75 का लोड होता है इनटू आपका 200। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना निकल करके आता है, आपको प्रॉफिट हो गया 15,000 का। ठीक है, सब कुछ माइनस करने के बाद में ये तो कम से कम आपको होगा ही। ओके, तो आपका ये जो 15,000 है ये कितना रिटर्न आपको निकल कर गया है 3 मंथ में। 3 मंथ्स का जो आपका रिटर्न है वो हुआ आपका 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 25% का आपका प्रॉफिट हो गया। बताइए आपको, और आपको क्या चाहिए इस मार्केट में, 25% का आपको प्रॉफिट हो गया 3 महीने से भी कम के टाइम में। अगर हम इसका 12 मंथ का यानी 1 साल का हम अगर इसको इसका रिटर्न निकाल लें तो रिटर्न आपका कितना होगा, 25 इंटू आप इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, 100% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। यानी देखिए आपकी ये कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत ही कम लॉस वाली स्ट्रेटजी है ना। आप किसी भी एक पॉइंट पर 2,250 से ज्यादा का रिस्क ले ही नहीं रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आपको एकदम बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। और कितना आपको टाइम देना पड़ रहा है ना, आपको चार्ट वॉच करना है आवरली और उसके हिसाब से अपना जो प्रॉफिट है वो ट्रेल करते जाना है, प्रॉफिट के लिए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं है ना, इसके अंदर आप अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो गजब के रिजल्ट्स हैं। तो इस मार्केट के अंदर हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि रिस्क कम से कम हो और हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता रहे है ना, तभी आप इसके अंदर सक्सेसफुल होंगे। कभी भी आपको बड़ा लॉस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फ्री स्ट्रेटजी की बात, एब्सोल्युटली फ्री आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आपको डेली देखिए कुछ ज्यादा टाइम देना भी नहीं है ना, आपको कोई हेडेक भी नहीं रहेगी इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए, और मेरे जो कोर्सेज की डिटेल है वो ये है, ये मेरे कोर्सेज होंगे। इन कोर्सेज को आप सीख पाएंगे मेरी वीडियोज के थ्रू,
है ना, वो मेरी प्राइवेट वीडियोस होंगी जिनके लिंक्स मैं आपको दूंगा। और ये जितने भी कोर्सेज हैं सभी पेड कोर्सेज होंगे और इनकी जो फी है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर कोर्स होगी। और इसमें जो सबसे पहला कोर्स है वो है इक्विटी इंट्राडे कोर्स। इसमें आपको पर डे केवल 30 मिनट देने हैं और इसके जो रिटर्न्स होंगे इनको देख करके आप खुद ही चौंक जाएंगे, क्योंकि आप देखिए ऊपर की जो सिंपल स्ट्रेटजी है उसमें आपको बिल्कुल सिंपल वे में ही 3 मंथ्स के अंदर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये लगा लीजिए कि जितना प्रॉफिट आपको वहां पर हो रहा है पर मंथ, यहाँ पर आपको उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकेगा। और ये भी हमारी जो स्ट्रेटजी होगी ये बिल्कुल रिस्क को मैनेज करते हुए होगी, कहीं भी आपको बिग लॉस इसमें नहीं हो सकता है। लंबे टाइम तक आप इंट्राडे में भी प्रॉफिट कमा पाएंगे। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा और अपनी स्ट्रेटजी भी आपको दूंगा। और दूसरा कोर्स मेरा होगा इक्विटी डेली स्विंग ट्रेड। ये कोर्स होगा डेली स्विंग ट्रेड्स के लिए और यहाँ पर आपको जो अपना अपनी पोजीशन है उसको होल्ड करके रखना होगा कुछ दिनों के लिए। और इसके अंदर आपको पर डे जो टाइम देना होगा वो देना होगा 30 मिनट। इस 30 मिनट में आप अपने जो ऑर्डर्स हैं वो भी प्लेस कर पाएंगे और जो ट्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे खुद ही। तो इसके अंदर भी मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के और अपनी स्ट्रेटजी भी आपको दूंगा। नेक्स्ट मेरा कोर्स है इक्विटी वीकली स्विंग ट्रेड का। इसके अंदर भी मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो भी आपको दूंगा। वीक में एक बार 30 मिनट का टाइम देना होगा और ये भी आपको वीकेंड पर देना होगा, यानी सैटरडे संडे को देना होगा मार्केट क्लोज होने के बाद में। और उसके बाद में फिर आपको पर डे केवल 5 मिनट्स देने होंगे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहने के लिए। इसके बाद जो फोर्थ और लास्ट कोर्स है वो है इक्विटी मंथली पोजिशनल कोर्स। इसमें आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो कुछ मंथ्स का होल्डिंग पीरियड होगा और इसमें आपको पर मंथ केवल 30 मिनट देने होंगे जिसके अंदर आप अपनी ट्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद केवल आपको 5 मिनट का टाइम पर डे देना होगा अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने के लिए। ये चारों जो कोर्सेज हैं इनके अंदर की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल रिस्क को देखते हुए बनाई गई है, कहीं भी आपको बिग लॉस नहीं होगा और आप लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो मैं कोर्सेज आपको दूंगा ये वीडियोस के बेसिस पर होंगे। मैं हर कोर्स को बिल्कुल डीपली उसके अंदर लूंगा, बेसिक्स बताऊंगा आपको, अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी को मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी उसका डेमो करके आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल उसको समझ सकें। और मैं केवल 10 लोगों को ही 1 मंथ के अंदर एडमिशन दे पाऊंगा। ये 1 महीने का टाइम इसलिए है, इक्विटी इंट्राडे के लिए 10 लोगों को एडमिशन दिया, उनको 1 महीने का टाइम होगा इसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए। स्ट्रेटजी को मुझे मेल्स भेज करके, मुझसे मोबाइल पर कॉन्टेक्ट करके वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी जो सीट्स की लिमिट है वो है 10 पीपल पर कोर्स। और आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट के बारे में और भी अच्छी अच्छी चीजें जानना चाहते हो, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस मार्केट में और लॉसेस बना रहे हैं उन चीजों से अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और मेल के अंदर आप अपना नाम दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपनी ईमेल आईडी दीजिए और किस कोर्स के लिए आप एडमिशन चाहते हैं उसको आप दीजिए। या फिर आप मुझे मेरे मोबाइल पर भी एसएमएस कर सकते हैं जिसमें आप सेम अपनी डिटेल देंगे, अपना नाम देंगे, किस कोर्स को आप अटेंड करना चाहते हैं और आपकी ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ आप इसके अंदर मुझे अपनी डिटेल देंगे। और ये जो कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं ये विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर मैं इनको स्टार्ट कर दूंगा। तो जो एडमिशन मैं दूंगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर दूंगा, यानी जो सबसे पहले मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे मोबाइल पर अपनी जो रिक्वेस्ट डाल देगा तो उन्हीं लोगों को मैं इसके अंदर एडमिशन दे पाऊंगा। और जो लोग इस 1 महीने के टाइम में अगर छूट जाएंगे उनको फिर नेक्स्ट मंथ चांस मिलेगा, वो लोग नेक्स्ट मंथ कोर्सेज है उनके लिए एडमिशन ले सकते हैं और इन कोर्सेज को सीख करके स्टॉक मार्केट में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।